2000 years later. हो गया भाई ऑन, पासवर्ड तो डाल दिया, अब एक झपकी ले लेते हैं भाई। अरे बॉस का फोन। हाँ सर, अभी मेल चेक करके बताता हूँ सर, रुको। अबे भाई वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा यहाँ हमारा, अरे नौकरी लग जाएगी दाव पे। अबे खुल जा यार, अबे भाई खुल जा, नहीं तो बॉस मार लेगा। One eternity later. ये साला नौकरी खा गया मेरी। तो ये चीज यार तुम्हारे साथ भी होती होगी, मतलब सबके साथ होती है जो भी पुराना लैपटॉप यूज कर रहा है। फोड़ने का मन करता होगा तुम्हारा भी, पर फोड़ नहीं सकते, महंगी चीज है। तो आज इसका समाधान कर ही देते हैं फिर। हमने पहले रैम अपग्रेड पर वीडियो बनाई थी, आज हम करने वाले हैं SSD अपग्रेड इस वाले लैपटॉप की। ये मेरे भाई के दोस्त का लैपटॉप है, 2019 मॉडल है, Asus का टफ गेमिंग Ryzen 5 3550H वाला, और इनबिल्ट इसके अंदर आई थी 5400 RPM वाली एक 1 TB की हार्ड डिस्क। तो जिसका ये लैपटॉप है उसको काफी स्लो लग रहा था ये, और लगे भी क्यों ना भाई, हार्ड तुम्हें पता आजकल कामयाब तो है नहीं। तो भाई SSD अपग्रेड करनी थी उसको, मैंने कहा भाई हमारे पास भेज दो तुम, हमें कंटेंट मिल जाएगा, तुम्हारे को SSD मिल जाएगी। तो SSD का स्लॉट वगैरह इसमें दिया हुआ है जहां तक मैंने रिसर्च करी है, बाकी खोल के देखेंगे कि कहां पर है वो स्लॉट। तो SSD अपग्रेड करते कैसे हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और विंडोज जो है हमारी वो SSD में कैसे डलेगी, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज एकदम डिटेल में बताऊंगा आज वीडियो में, कोई स्टेप मिस मत करना, और कांड हो गया ना फिर मेरी गारंटी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। और बहुत लोगों का सवाल होता है कि कहीं वारंटी तो वॉइड नहीं हो जाएगी, मतलब हम खोल रहे हैं बेसिकली लैपटॉप, तो यार देखो पुराना है तो फर्क नहीं पड़ता, वारंटी एक्सपायरी हो गई होगी, पर अगर नए लैपटॉप की SSD तुम अपग्रेड करने जा रहे हो, जो कि मुझे लगता नहीं कोई करेगा क्योंकि सब लैपटॉप्स में अब SSD आ ही रही है, बट फिर भी करना चाह रहे हो तो जो स्पेसिफिक ब्रांड है ना चेक कर लेना उनकी वेबसाइट पर या टर्म्स एंड कंडीशंस में, क्योंकि कई ब्रांड कुछ नहीं कहते और कुछ ब्रांड है, जैसे कि रैम अपग्रेड वाली वीडियो में लोगों ने कहा था कि Acer जो है वो मना करता है अपग्रेड करने से, बाकी ब्रांड्स का मुझे पता नहीं, ज्यादातर नहीं होती है वारंटी वर्ड जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो पहले एक बार बिना SSD के देख लेते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है इस लैपटॉप को चलने में, परफॉर्मेंस डिफरेंस भी तो देखना है ना फिर हमें। तो अभी बंद अपना लैपटॉप, टॉप वो चालू करते हैं और इसे ऑन करते हैं, देखते हैं बूट होने में इसको कितना टाइम लगता है। पासवर्ड डालते हैं फटाफट, पूरी तरीके से इसको सेट होने में 55 सेकंड्स लग गए, मतलब 5 सेकंड हटा दो तो 50 सेकंड तो इसने ऑलमोस्ट ले लिए भाई। अब कुछ चला के भी देख लेते हैं कि ऑन होने के बाद अगर हम कोई एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो टोटल कितना टाइम लगता है। मैंने यहाँ पर फिर से स्टॉप वॉच चालू कर दिया, तो अभी मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ और देखो यहाँ पर अब खुला है। बहुत टाइम लग रहा है भाई, ऑन होते ही भाई चलाने का तो मन करेगा ना, वैसे तुम सेट होने का वेट तो करोगे नहीं। तो गूगल क्रोम चल गया फटाफट, कुछ यूट्यूब सर्च करके देख लेते हैं भाई, अभी भी खुल रहा है, मतलब वाईफाई सब चीज अपना आप कनेक्ट करने के बाद पूरे तरीके से चलने में भाई 1.5 मिनट के आसपास इसको लग गया। अब SSD की देखेंगे SSD डलने के बाद। तो अगर तुम्हारे लैपटॉप में पहले से SSD डल रखी है, मतलब अभी रिसेंटली तुमने कोई लैपटॉप परचेज किया और फिर तुम SSD अपग्रेड करना चाहते हो, तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, अगले पॉइंट पे चले जाओ, देख लो कि कैसे अपग्रेड करते हैं। पर अगर तुम्हारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, अभी कोई SSD वगैरह नहीं है, और क्योंकि फिर तुम्हें उसमें विंडोज वगैरह सब चीज डालनी होगी, तो ये वाला स्टेप तुम ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी करंटली विंडोज इस लैपटॉप में भी हार्ड डिस्क से रन कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारी विंडोज SSD से रन करे, क्योंकि तभी वो तेज चलेगी, नहीं तो लैपटॉप डब्बा ही रहेगा तुम्हारा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी डेटा तुम्हारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क में अभी तुमने डाल रखा है उसका एक बैकअप ले लेना किसी भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या कहीं पर भी, मैंने ऑलरेडी इसका ले लिया है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक ऐसी कोई पेन ड्राइव ले लेना मिनिमम 16 GB तक की, उससे कम मत लेना, से ज्यादा की लेना। इसमें हमें क्रिएट करना है विंडोज का इंस्टॉलेशन मीडिया, वो कैसे करते हैं ये देख लो। तो पहले अपने लैपटॉप में भाई पेन ड्राइव को प्लग इन कर देना, तो देखो ये शो हो गई, मैंने ऑलरेडी बना रखा है पर मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। तो उसके लिए तुम्हें पहले अपना ब्राउजर खोलना है, यहाँ पे सर्च कर लेना विंडोज 11 डाउनलोड, ये सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है, इस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर आ रहा है क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर ये जो फाइल है ये अपनी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद खोल लेना, यस ये ऐसे ओपन हो जाएगी विंडो। यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, ये सब ठीक है एकदम बिल्कुल एज इट इज रहने देना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर यहाँ USB फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करना क्योंकि हम पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर अपनी जो ड्राइव है उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना, ये इंस्टॉलेशन मीडिया बन जाएगा तुम्हारी पेन ड्राइव पे, मेरा ऑलरेडी बन रखा है तो मैं नहीं कर रहा। तो ये काम होने के बाद फिर से कह रहा हूँ कि अपनी हार्ड डिस्क जो तुम्हारी लैपटॉप में जो डेटा है ना उसको एक बार बैकअप जरूर कर लेना,
हो गया सब हो गया। अब हम जो SSD यूज करने वाले हैं इसको अपग्रेड करने के लिए, यह क्रूशियल की SSD और P3 कुछ मॉडल नंबर है इसका, और ये 500GB की SSD है, PCIe NVMe M.2 वाली Gen 3 SSD। लैपटॉप में जो सपोर्टेड है वही देख के लेनी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं तुम कुछ भी उठा लो जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि क्रूशियल, सैमसंग, किंगस्टन, WD ये सारे बढ़िया ब्रांड्स हैं, इनमें से किसी की भी पिक कर सकते हो, जो मतलब जिसका रेट तुम्हें सही लगे अपने हिसाब से। करते कैसे है वो देखो सीधा। तो भाई अब हमने बुला लिया अपने एक्सपर्ट, लैपटॉप यही खोलते हैं। भाई सबसे पहले चाहिए हमारे को ये टूल किट छोटी सी, इसमें हमारे को सारे टाइप के पेज मिल जाएंगे, तो देखना है कि कौन सा पेज हमारे इस लैपटॉप में लगेगा, देखते ट्राई करके। तो बस लग गए, बड़े पेज भी निकल रहे हैं, छोटे पेज भी निकल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन सा निकल रहा है भाई, मार्कर से निशान लगा लेना जिस पे भी बड़ा पेज लग रहा हो। अब एक जस्ट सिंपल सा स्टेप करना है हमारे को, एक कोई भी एक ATM कार्ड या ID कार्ड सा ले लेना अपने हाथ में, बिल्कुल एकदम ये एज है ना यहाँ पे, एज से डालना इसको, हल्का सा उठा के ये ऐसे करते हुए ले जाना। तो भाई बस ये अपना इस तरीके से खुल जाएगा अपना। भाई क्या ही मिट्टी है, वाह 2019 से लेकर अब तक खोला ही नहीं बंदे ने तो खोलता कौन है ये सब यार, फिर भी यार कम से कम मिट्टी तो झाड़ लो यार। ओ भाई साहब ये देख रहे हो, डस्ट देख रहे हो पैन में। तो भाई ये तो लगी हुई है देखो, इसकी हार्ड डिस्क ठीक है, और ये अपनी बैटरी। सबसे पहले ना बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना, प्रिकॉशन है ले लेना। तो भाई बैटरी डिस्कनेक्ट करने के लिए ये एक सॉकेट है व्हाइट कलर का, बैक साइड में इसको खींचना है और ये बाहर। बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इसी दिन के लिए नाखून बढ़वा रहे हैं इससे काम आ रहा है आज। तो भाई ये है ना, ये ब्लैक कलर की बनी, ये यहाँ पे ये SSD का स्लॉट यही है, यहाँ लगेगी हमारी SSD। अनबॉक्सिंग, मोटी सी पुस्तक, हम बताएंगे यार पुस्तक की क्या जरूरत है। SSD वाले बड़े अच्छे थे यार, एक पेज साथ में दिया है, लैपटॉप में लगा हुआ है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से हमारी ये SSD और ये यहाँ से इंसर्ट होगी। तो किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हो, इतनी सी होती है कुछ SSD। आज तुम शक्ल सूरत देख लो इसकी। अब इसे हमें इस वाले पोर्ट पे लगाना है, यहाँ वाले पोर्ट पे जो बैटरी के बगल में। हर लैपटॉप में SSD का स्लॉट अलग जगह पे होता है, तो तुम्हें अपने लैपटॉप के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई SSD का स्लॉट कहाँ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी और स्लॉट में कुछ और घुसा दो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो भाई, अगर मिट्टी विट्टी हो तो साफ कर लेना। SSD इंस्टॉल करने से पहले ये पेज और बाहर निकाल लेना, क्योंकि इसके बिना फिर ये अटैच नहीं हो पाएगी। बेसिकली इसी पेज से जो SSD फिट होती है भाई, RAM की तरह नहीं है कि मतलब लगाया और सेट हो गई। भाई सबसे पहले मेन ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पिंस है वो जाम लगाने वाले हैं, वहाँ पे मैच होनी चाहिए, कभी हम ऐसे अपोजिट साइड ना लगा दें। तो ये इस तरीके से इसमें ये और 45 डिग्री का अप्रोक्स एंगल है, तो इसको हम ऐसे नीचे डाउन साइड फिर इसको प्रेस करेंगे और जो ये हमने बोल्ट निकाला था इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो कुछ ज्यादा भी टाइट नहीं करना है, इसको हल्का सा ही टाइट करना है, तभी कभी ये टूट ना जाए हमारी SSD। ये यहाँ तक का काम तो इसका हो गया खत्म। तो भाई वापस फिट करने के लिए कवर को लेके, और जैसे हमने उतारा था ना ठीक उसी तरीके से पहले बैक से इसको अटैच करना है, उसके बाद आगे वाला हिस्सा यहाँ से चला गया। हल्का हल्का साइडों से प्रेस करते हुए जाना है, क्लिक की साउंड आती रहेगी और ये बंद होता रहेगा। जब प्रॉपर बंद हो जाए उसके बाद अपना एक एक करके जहाँ जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ अपने जो पेज है वहाँ पे एंटर करके टाइट कर देना बस। भाई लैपटॉप अपना पूरी तरीके से पैक हो चुका है बिल्कुल एकदम ढंग से, तो लाइक मार देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर वो भी कुछ ऐसी SSD अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, और ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी हो तो। अभी भी ना विंडोज जो है वो हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, तो SSD डालने का मतलब यू नहीं है कि भाई सब चीजें एकदम सेट हो गई अब तुम्हारा काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हार्ड डिस्क में जो विंडो है उसे उड़ाना है और हमारी विंडोज को हमें अपनी SSD में डालना है। तो वो देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है बिना स्किप करे, वरना तुम्हारा ही घाटा है मेरा कुछ नहीं जाएगा। सबसे पहले तो अपने लैपटॉप को चार्जर पे लगा दो, मतलब प्लग इन कर देना, उसके बिना कोई काम मत करना। तो अब लगानी अपनी पेन ड्राइव जिसमें हमारी विंडोज है, लैपटॉप को दो ऑन, कीबोर्ड चप गया भाई इस पे, तो फिर यहाँ पावर ऑन करना है। पावर ऑन करते के साथ यहाँ पर F2 प्रेस करते रहना बार बार, बायोस खुल जाएगी हमारी फिर। एंड यहाँ पर बायोस के अंदर अब तुम देख सकते हो स्टोरेज के अंदर, अगर हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करें देखो यहाँ पर अपनी SSD शो हो गई 500GB की, तो मतलब अपनी SSD इस पे सपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ से जाना है यहाँ पर एडवांस्ड मोड पर, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है बूट पर, यहाँ पर फिर फास्ट बूट को हमको करना है डिसेबल, सिक्योरिटी में जाकर के यहाँ पर नीचे हमारा सिक्योर बूट है ये भी अनेबल होगा बाय डिफॉल्ट, इसको भी हमको करना है डिसेबल। देन इसके बाद फिर यहाँ पे सेव चेंज इस पे कर देना ओके। देन यहाँ पर नीचे हमारा दिख रहा है ना बूट मेन्यू, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडोज बूट मैनेजर और दूसरी अपनी पेन ड्राइव शो हो जाएगी, तो यहाँ अपनी पेन ड्राइव पे सिलेक्ट कर देना और भाई फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा अपना लैपटॉप। तो अब जो पेन ड्राइव के अंदर विंडोज है ना उसके थ्रू ये चालू हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हमें कुछ ऐसी सी विंडो अपियर होने वाली है, उसके बाद भाई कुछ नहीं छेड़ना, मतलब ये सारी सेटिंग बिल्कुल सही है। यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देना एंड यहाँ पर इंस्टॉल नाउ कर देना। तो ये सेटअप स्टार्टिंग स्टार्ट हो रहा है भाई। अब ये वाली विंडो अपियर होगी, देन यहाँ पर हमको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है
है, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर ये दो ऑप्शन देगा कि भाई खाली विंडोज इंस्टॉल करनी है एंड अपनी फाइल सेटिंग्स वगैरह सेम रखनी है। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि विंडोज ओनली को ही क्लिक करना है, क्योंकि अगर तुम ऊपर वाला क्लिक करोगे तो जो हमारी विंडो है हम उसको एसएसडी में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हार्ड डिस्क में रहने देगा, मतलब हार्ड डिस्क में री इंस्टॉल कर देगा विंडोज, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। कस्टम वाला जो ये दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल विंडोज ओनली, इस पर क्लिक करना। तो अब ये सारी डिस्क हमें यहाँ पर शो हो रही है, जो भी हमने मतलब पहले से पार्टीशन वगैरह बना रखे थे हर चीज थी, वो सारी डिस्क यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। और यहाँ पूछ रहा है कि भाई विंडोज को तुम्हें कहाँ इंस्टॉल करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो सारी डिस्क यहाँ पर दिख रही है इन सबको तुम डिलीट कर दो, मतलब फॉर्मेट कर दो, देन उसके बाद अपनी एसएसडी के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर दो, क्योंकि भाई हो सकता है कि तुम्हें कोई एरर वगैरह देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई सिंपल सोदा है, बैकअप बनाओ, सब उड़ा दो, फिर दोबारा से कॉपी मार लेना, आसान तरीका है। तो एक एक करके सबको हम फॉर्मेट कर देंगे, पहले इसको फॉर्मेट करते हैं। तो एक एक करके इन सबको हमें फॉर्मेट करना है। एक ये रिकवरी वाली है, इसको भी कर देना फॉर्मेट। तो जो डिलीट हो जाए एक बार डिलीट करके भी देख लेते हैं, डिलीट हो गई तो और भी अच्छा, तो भी डिलीट करके देखते हैं, देन रिफ्रेश कर देना। तो अब ये जो अनएलोकेटेड स्पेस है ये 500 GB का 465 कुछ दिखा रहा है, ये है बेसिकली जो अपने SSD हमने डाली है वो है ये। इस पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट डिलीट कुछ नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल खाली है, तो हमें इसको नेक्स्ट करना है। तो अब यहाँ पर जो अपनी विंडोज है वो उसके अंदर कॉपी हो रही है। बूम शकलका, बूम बूम बैटरीज की। तो विंडोज अपनी जेन्युइन इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसके अलावा कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनमें ना SSD का स्लॉट नहीं होता। अब इसमें तो था, हमने सीधा लगा के काम चला लिया। तो जिनमें नहीं होता ना उनके लिए भाई एक कोई दूसरा मेथड होता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। कई लैपटॉप जैसे बहुत पुराने आते थे ना उनमें CD ड्राइव का स्लॉट होता था, तो वो CD ड्राइव के स्लॉट की जगह पर हमारी SSD लग जाती है उन लैपटॉप्स में, उनमें SATA वाली SSD लगती है। तो उसमें अगर तुम्हें SSD अपग्रेड करनी है तो वो YouTube वगैरह पर चेक करके देख लेना। बाकी अगर मेरे पास फ्यूचर में कोई ऐसा लैपटॉप आता है तो उस पर अगर मुझे मौका मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए ले आएंगे भाई। तो अब जाकर के अपना लैपटॉप फाइनली ऑन हो चुका है, अब देख लेते हैं फटाफट से कि भाई जो अपनी SSD उसके अंदर विंडोज आई है नहीं है। आ गई, तो देख सकते हो कि तुम यहाँ पर 440 GB की जो दिखा रहा है ये अपनी SSD है और लोकल डिस्क में यहाँ पर विंडोज अपनी डल चुकी है। टास्क मैनेजर खोल लेते हैं और भाई सब क्या चल रहा है, अभी अभी ऑन हुआ और देखो कितनी स्पीड से चल रहा है लैपटॉप भाई। डिस्क 1 सी ड्राइव और यहाँ पर SSD लिखा हुआ आ रहा है, एंड यहाँ तुम देख सकते हो 466 GB वाली यही है अपनी SSD। मेहनत रंग लाई दोस्तों, काम पूरा हुआ, संपन्न हुआ। अब एक बार तुम्हें फटाफट से परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस हमें देखने को मिला है, मतलब पता चल जाए ना कि भाई SSD डलने के बाद क्या होता है, वो जादू भी तो देखना है ना। तो बूट हुआ SSD के साथ और भाई तुम देख सकते हो कि 27 सेकंड्स में, मतलब उससे भी कम में हो गया था, देख ही लिया होगा तुमने। अब फटाफट से इसके अंदर दूसरी एप्लीकेशन भी खोल के देख लेते हैं भाई उनमें कितना टाइम लगता है। माइक्रोसॉफ्ट एज खुल गया, फाइल मैनेजर भी देख लेते हैं खोल के बूट अप होते के साथ कितना टाइम लगता है। वाह, मतलब खुल गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसमें फटाफट सर्च भी कर लेते हैं, पिछली बार तो 1.5 मिनट से भी ऊपर चला गया था। अबे भाई ये माइक्रोसॉफ्ट एज भी ना एकदम घटिया ही है, तो ये जो 15-20 सेकंड फालतू में खराब हुए उसको हटा देना। तो 1 मिनट से भी कम ही लगा है मतलब ओवरऑल टाइम तो इसके अंदर, मतलब यू समझ लो कि यार 5-6 गुना तेज तो हो ही गया, एकदम फास्ट फास्ट कुछ भी खोलो 1 सेकंड में खुलता भाई अब। और ये अपने SSD की रीड एंड राइट स्पीड जो मतलब हमने इंस्टॉल करी है उसकी। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मतलब रैम जो है ना हमारी वो भी काफी ज्यादा मैटर करती है। 2023 के हिसाब से ना मिनिमम 8 GB रैम तो होनी चाहिए अगर तुम्हें नॉर्मल टास्क करने हैं तो भी। और रैम अपग्रेड कैसे वो डाउट अगर आता है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, डिटेल में हर चीज समझाई थी जैसे इसमें समझाई है, वो भी देख सकते हो। तो अगर कंक्लूजन की बात करें कि भाई SSD अपग्रेड करने का एक्चुअल में फायदा है या नहीं और अगर है तो कितना है, तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया कि भाई 5-10 गुना लैपटॉप अपना तेज हो जाता है SSD अपग्रेड करने के बाद, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक नए लैपटॉप जैसी फीलिंग आएगी और नया लैपटॉप 60-70 हज़ार का आएगा, ये तुम्हारा 2-3 हज़ार में 4 हज़ार में काम हो जाएगा। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारा लैपटॉप स्लो हो चुका है और हार्ड डिस्क पे रन करता है, हार्ड डिस्क में विंडोज डली हुई है, तो भाई उसे तुरंत अपग्रेड करो। और बाकी चीजें मैं क्लियर कर ही चुका हूं, डिफरेंस तुमने परफॉर्मेंस में देख ही लिया कि कितना ज्यादा हो जाता है। मैंने जो SSD डाली है उसका लिंक और कुछ बढ़िया बढ़िया SSDs का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खरीदना चाहो तो वहां से जाके खरीद सकते हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन पे ऑल, और हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय।